ये ड्रम्स कौन बजा रहा था? देख के आती हूँ। ये दादा को देखकर इम्प्रेस हो जाएगी, फिर उसी इम्प्रेशन का फायदा उठाकर दादा से हेल्प लेकर अपने प्यार का इजहार करूंगा। Yes, I love her. Oh, oh, अभी से दर्द है प्यार में। सुनो, ये म्यूजिक रूम कहाँ है और ये ड्रम्स कौन बजा रहा था? मैम, म्यूजिक रूम इस तरफ है और ये ड्रम कौन बजा रहा था इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, सॉरी। ठीक है, आज से पहले इतने अच्छे ड्रम्स, ऐसा स्टिक वर्क सुना नहीं, क्लब में तो बिल्कुल नहीं, जाके देखती हूँ। अभी यहाँ ड्रम्स कौन बजा रहा था? शान मौजूमदार, ओनर है यहाँ के, जो लंदन से आए हैं, काफी अच्छा बजाते हैं ना, मैं भी सोच रहा हूँ कि उन्हीं से ट्रेनिंग ले लूँ। बूढ़ो सच में इतने अच्छे ड्रम्स बजाता है? एक आदमी जो परिवार को इतना प्यार करता हो, इतना अच्छा हो, जिसमें इतना संगीत भरा पड़ा हो, वो एक क्रिमिनल कैसे हो सकता है? जरूर कोई गलत फहमी है शांतनु को लेकर। उसके उस अतीत के अलावा सोनागा जी के साथ अब उसका कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, मुझे ये साबित करना होगा। क्या हुआ बड़ो? टेंशन नहीं तो कर रहा है ना, वहां चला गया तो मुझसे मिल बैठेगा। अपने बंदू को देख लेगा है ना? नहीं बता रहे तो मत बता, वैसे भी मुझे पता नहीं है क्या। मैं किसी से नहीं डरता। अच्छा, तो ले चल कारवा जहां मुझे छोड़ कर गया था। क्या पता शायद वही मिलो तुझे। तुझे वहां जाने से डर नहीं लगता जहां तू मुझे छोड़ कर गया था। चैलेंज कर रही हो तुझे बड़ो? चली जाओ यहां से, मत परेशान करो मुझे, जस्ट गो अवे, गो। बहुत हो गया, थक चुका हूं इन यादों से, हर वक्त परेशान करते रहती हो, हॉन्ट करते रहती हो मुझे। तो आज तो पता करके रहूंगा कि तुम आखिर हो कहां पहुंच गई। चैलेंज एक्सेप्टेड।
हम में से कोई एक पूछ की होगी मेरी बोंदू। अगर कुछ की मिल भी गई तो इस नरक को उसे नहीं देख पाऊंगा। बिना मजे लूटे कहाँ चल दिए साहब? की असली माँ चंदा वो मर गई। नहीं नहीं वो चंदा और पुचकी बारी से भाग निकले। चंदा पुचकी को बचा ही रही थी कि तब एक्सीडेंट हुआ। डरा हुआ है बेचारा, लगता नया नया है ठाकुमा।
चंदा माँ, पर वो तो मर चुके थे। रिकॉर्डिंग कर रही है? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत? निकल भाग। तुम इसे जानते हो साहब? जवाब नहीं दिया। क्या तुम इसे जानते हो साहब? नहीं। ये आवाज कुछ जानी पहचानी से लग रही, जैसे कोई अपना हो। शांतनु और बड़ी माँ का ऐसे मिलना, क्या ये दोनों वाकई मिले हुए हैं? मांजरा क्या है? चंदा माँ जिंदा है, यकीन नहीं हो रहा है। ए लड़की, पता नहीं यहाँ रिकॉर्डिंग करना मना है। बड़े बड़े शरीफ लोग आते हैं यहाँ, उनकी उतरती शराफत रिकॉर्ड नहीं करते हम। इस लड़के की ओर कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा है। यही सही वक्त है भाग निकलने का। कालू, पकड़ो इसे। देखो वो लड़की कौन थी, कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। कालू क्या उसके पीछे, भागो। अच्छा या तो चले, आखिर चल क्या रहा है?
शान की असली माँ चंदा वो मर गई। नहीं नहीं वो। अगर चंदा माँ जिंदा है तो मुझे उनके मरने की झूठी खबर क्यों थी? या फिर ऐसा तो नहीं कि चंदा माँ खुद अपने जिंदा होने की बात मुझसे छुपाई ताकि वो मुझसे दूर रह सके? एक तरफ चंदा माँ है जो नहीं चाहती कि मैं उनके साथ रहूं, और दूसरी तरफ निवी माँ है जो जानकर भी पराया मानती है। आखिर क्यों मेरे ही किस्मत में माँ का प्यार नहीं लिखा?